अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैनब भट्ट। हमारी आज की टॉप स्टोरीज ये हैं। नौजवानों के पास एंटरटेनमेंट के लिए एक्टिविटीज हैं क्या? पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की सूरत हाल क्या है? आपने एविएशन में दाखिला आखिर लिया ही क्यों? आप पढ़ तो रहे हैं, जॉब मिल जाएगी के नहीं? हर चीज पर पाबंदी है, नौजवान आखिर करें तो क्या? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमजा नदीम और आज हम देखेंगे कि यूथ अपने आप को एंटरटेन किस तरीके से करती है, जो कि एंटरटेनमेंट के ज़राए थे जिसमें बसंत फेस्टिवल, वन व्हीलिंग और शीशा कैफ़े, जिन पे आजकल पाबंदी आयद है। तो आइए हम देखते हैं और यूथ से पूछते हैं कि वो अपने आप को एंटरटेन किस तरीके से करती है। टाइम ही नहीं मिलता यार, आजकल तो लाइफ ही बहुत हार्ड हुई पड़ी है आर्किटेक्चर की वजह से, स्टडी की वजह से। पहले होता था कोई एक दिन मुकर्रर होता था, बस जैसे कि बसंत का था, लेकिन अब वो जब से चली गई है बसंत, एक दिन जो मुकर्रर था वो भी अब गायब हो गया। ज़्यादातर ये होता है कि मॉल्स वगैरह में चले जाते हैं, अगर मतलब एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो अगर मतलब अगर टाइम हो तो जो मॉल्स वगैरह बने हुए उधर चले जाते हैं, इम्पोरियम चले जाते हैं, पैकेजेस मॉल चले जाते हैं। उधर ज़रा एक फैमिली पैकेज भी है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं करने को। जिसके पास आजकल के दौर में इंटरनेट है ना, वो बोर नहीं हो सकता, ब्राउजिंग कर सकते हो, कोई चीज़ स्टडी कर सकते हो, बुक्स हैं, तो मेरे ख्याल से बुक्स सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी हैं, पढ़ना चाहिए। जहाँ तक फ्री टाइम का ताल्लुक है, मैं फ्री टाइम में जो है वो बड़ा कुछ करता हूँ, मसलन गेमिंग हो जाती है, वीडियो गेमिंग और फ्रेंड से चैट वगैरह करना और सारा कुछ इस तरह का। मैं फ्री टाइम में फ़ोन यूज़ करती हूँ और गेम्स खेलती हूँ बस। ज़्यादातर फ्री टाइम में मैं सॉन्ग सुनती हूँ और या फिल्म देख लेती हूँ कोई मूवी। चाइल्ड लेबर एक लानत है और पाकिस्तान में इसका वजूद आखिर क्यों? मेहनत कश तबका अपनी मेहनत से मुल्क की मईशत का पहिया चलाता है। तालीम के ज़रिए ही कौमें तरक्की की तरफ गामजन होती हैं, लेकिन कौम के मामार तालीम की बजाय मेहनत मजदूरी पर लगे हुए हैं। जिस जगह भी निकल जाएं, मोटर मैकेनिक, कारखाना, चाय का होटल या कोई और काम, हर जगह बच्चे काम करते नज़र आते हैं। बच्चों से काम करवाना जुर्म होने के बावजूद भी बच्चों के काम करने की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन मालिकान का कहना है कि बेरोज़गारी की शरह में इजाफा होने की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को हमारे पास काम करने के लिए छोड़ जाते हैं और हमें मजबूरन उन्हें काम पर रखना पड़ता है। बच्चे जड़े ने साढ़े को आते हैं काम करने वास्ते, मतलब घर के हालात कुछ ऐसे होंगे ने भी माँ प्यो जो ना वो बीमार होंगे, नहीं काम कर सकता कि फिर इन्हें बच्चे साढ़े को छड़ जाते, थोड़ी मेहरबानी यार इन्हें बच्चे काम सिखाओ, अही उन्होंने कुछ 500 या 400 रुपया दिहाड़ी देने हैं, वो बच्चे उन्होंने सिर पर आ जाए घर गुजारा कर देना। मुझे पढ़ने का शौक है, मेरा माँ बाप गरीब है, मैं यहाँ पे आके काम करता हूँ सुबह शाम, मैं बाप का अपने का हाथ बटा रहा हूँ, यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ मोटरसाइकिलों का। सबसे बड़ा मैं हूँ, छोटे तीन बहन भाई हैं, दो छोटे हैं, एक मेरे से छोटा है, दो उससे छोटे हैं, उन्होंने की पढ़ाई का भी खर्चा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे रह के सुबह शाम काम करता हूँ। पिछली हुकूमतों की तरह इस हुकूमत ने भी चाइल्ड लेबर के मसले पर मनसूबाबंदी तो बहुत की है, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आ रहा। कैमरामैन मतीन अहमद के साथ फैसल एजाज, एक्सीलेंट टीवी लाहौर। आपने एविएशन क्यों सेलेक्ट किया, अपनी मर्जी से या अपने वालिदैन की ख्वाब को पूरा करने के लिए? स्टूडेंट का रुझान मेडिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ एविएशन को चूज़ करते हैं, तो आज हम जानेंगे एविएशन के स्टूडेंट से कि व्हाई दे चूज एविएशन। मैंने एविएशन इस वजह से चूज़ की क्योंकि मुझे बचपन से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने का शौक था, तो क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक ऐसा इंसान होता है जो कि एक एरोड्रोम का किंग हम कह सकते हैं कि वो होता है। एविएशन एक एडवांस फील्ड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हर बंदा का है, उसके बाद हर फील्ड है, लेकिन जो एविएशन है ये टेक्निकल है और बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड है। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी डिफरेंट फील्ड में जाएं जो कि या तो मैकेनिकल की तरफ हो या फिर फ्लाइंग की तरफ हो, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, पायनियर स्पिरिट था, तो इसलिए ये चूज़ किया मैंने। क्योंकि ये एक डिफरेंट फील्ड है, पाकिस्तान के अंदर भी इट्स अ न्यू मार्केट, इमर्जिंग मार्केट है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आउटस्टैंड करने में मदद करता है। आज हमने जाना कि एविएशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एविएशन में एडमिशन क्यों लेते हैं। हम एविएशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं फ्यूचर के लिए। कैमरामैन सैफुल्ला कयूम के साथ एक्सेलेंट टीवी, फरीहा आता।
आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, जॉब मिलेगी या नहीं? पाकिस्तान की कुल आबादी का 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। दुनिया भर में ये तादाद सबसे ज़्यादा है। हर साल लाखों बच्चे यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट होकर नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। हम यूथ से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या ख्याल है, इन्हें नौकरी मिल जाएगी कि नहीं। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है जॉब के लिए, अगर आप स्किलफुल है तो आपको जॉब भी ऑब्वियसली मिल ही सकती है। तो मुझे लगता है तकरीबन आपको जॉब बहुत कम मिलती है। जॉब के लिए आपको खुद कहते हैं कि काम करना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को जो रटालाइजेशन हो जाती है, पर उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जा कर मार्केट में मार खाते हैं। जॉब तो बहुत कम मिलती है। डिग्री अलग के 2 लाख बच्चे अगर क्या नाम है वो डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनमें से 40,000-50,000 इससे ज़्यादा जॉब नहीं मिल सकती। एक साल में एक यूनिवर्सिटी से तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख बच्चा निकलता है। इंडस्ट्रीज कम है हमारे पास जॉब, इसलिए हमें नहीं मिलती। दूसरा एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस हमारे पास है नहीं। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए एक्सीलेंट टीवी।